Sandali, finally we are going to Bali. We are going to Bali. यार इतने दिनों के बाद finally. इतने time बाद हमारा plan बना है हमारा. Almost one year. नहीं almost one year base. Almost one year. One year से हम plan कर रहे हैं. एक subway हुआ करता था, कहाँ गया वो? Subway वो अभी वो इस पे नहीं है, वो KLIA 2 पे है, ये KLIA 1 है. तो अब कहीं तो कोई खाने तो चले, भूख लग रही है बहुत तेज. लेते हैं कुछ. Bali, and this is beautiful airport. Let me show you around. Beautiful it is. So, अभी हम पहुँचे हैं कुटा और यहाँ पे हमारा stay है 2 days का. तो अभी ऑलरेडी बज रहे हैं रात के 8 और हम यहाँ से हमारा होटल है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर. तो यहाँ से हम जाएंगे टैक्सी में पहले और कुछ खाएंगे क्योंकि कुछ खाया नहीं हुआ है, बहुत भूख लग रही है. ऑलरेडी मेरा फ़्लाइट में एक बहुत बड़ा पोपट हो चुका है. लेट मी टेल यू क्या हुआ है. हमने बुक की थी मलिंदो एयरलाइन और इट्स अ वेरी गुड एयरलाइन, नो डाउट अबाउट इट. सीट्स बहुत अच्छी हैं. मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप एशिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो मलिंदो एयरलाइन आप करो. सीट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा स्पेस होता है, सर्विस बहुत अच्छी है. पर इस बार बहुत गलत मेरे साथ हुआ. तो मैंने ऑर्डर किया वेज पास्ता और बीइंग वेजिटेरियन और कुछ ऑप्शन था नहीं. तो मैंने उनसे क्लियरली पूछा कि पास्ता मतलब आपके पास क्या है वेज में. तो दे देमसेल्फ सेड कि मेरे पास पास्ता है वेज में. और जब मेरे पास पास्ता आया तो वो चिकन पास्ता था. लेकिन एंड मैंने एक बाइट खा लिया, थैंक गॉड मैंने चिकन का पीस नहीं खाया. उसके बाद इसने मैंने मेरे को ऐसा लगा कि वो ऐसा चिकन पास्ता है. उन लोगों का कि कोई हालत नहीं किया, बकवास. तीन एयर होस्टेसेस के सामने बैठी थी, इसको सॉरी सॉरी बोल रही थी. फिर इसके बाद बिजनेस क्लास से स्पेशली एक बंदी आई एयर होस्टेस जो बिजनेस क्लास को हैंडल कर रही थी. उसने इसको प्रॉपर फिर एक मैं तो ये कहूँगा कि पूरा ब्रेकफास्ट जैसा होता रहा, पूरा इसका प्लेटर आया. और नहीं ऐसे नहीं हुआ था. उन्होंने मुझे ऑफ कोर्स अपोलोजाइज किया कि हमने आपको गलत दे दिया. और उसके बाद में दे ऑफर्ड मी गुड प्लेटर मील. कहाँ जाना है, विदा ऑन अराइवल भी तो लेना भी. हाँ, और न मैं इतना जेलस हो रहा था वो प्लेटर देख के मेरा. कह रहा बड़े मजे हैं तेरे तो बड़े मजे हैं. इसमें क्या मजे हैं पता है, बहुत गलत चीज़ है एक वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन ऑफर करना. सो गाइज, अगर आप एशिया में ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीज़ मेरे साथ 2-3 बार हो चुकी है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप 2-3-4 बार उनसे चेक करो कि ये वेजिटेरियन है, इसमें कुछ चिकन या फिश या कुछ चीज़ तो नहीं है, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता. आप कितनी बार पूछो. तो दोस्तों, ये बड़ी मस्त चीज़ हो गई है. हम लोग सोच के आए थे कि हमारा ऑन अराइवल वीज़ा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स का जो होता है बाली में एज पर द नॉर्म्स 2400 INR लगता है पर हेड. तो यू आर एक्सपेक्टिंग 5000 INR का वीज़ा, बट आई डोंट नो व्हाट रीजंस वी हैव गॉट अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज एंड आवर हॉलीडेज फ्रीबीज कंटिन्यूज फ्रॉम द फ्लाइट. 30 डेज यू डोंट नीड एनी वीज़ा. दिस इज आई थिंक दिस इज सम न्यू लॉ व्हिच हैज जस्ट बीन शी सेड इट्स न्यू पॉलिसी नाउ. दिस इज जस्ट अ न्यू पॉलिसी व्हिच हैज बीन जस्ट बीन ब्रॉट इन. और सनली हमारा मस्त ट्रिप का जो वो है कंटिन्यू हो रहा है. तो हमारी ऑलरेडी कुछ अलग ही नोट पे स्टार्ट हो रही है. So, दोस्तों हमारा इमिग्रेशन तो कुछ हो गया है, बाहर आ गया है बैगेज काउंटर पे. बट एक आप मुझे एक एडवेंचर सीन देख रहे हो हमारे साथ. हम मतलब बैगेज का वेट कर रहे हैं लेकिन ये मैडम के पास लैपटॉप हाथ में है. तो इसके पीछे छोटी स्टोरी है. हम लोग अच्छा बोला आ रहे थे कि लैपटॉप बैग ये जो है चेक इन बैगेज में था.
इसके दिमाग में कुछ खुराफाती आई और इसने कहा खुराफाती नहीं आई, मैंने सोचा कि मेरा आराम से जाए मेरा लैपटॉप ऐसे तो इतना आराम से जा रहा है कि वो उसकी गोद में आ रहा है पूरे रास्ते में अच्छा वाला बैग में जा रहा था चेक इन बैगेज में इसने वहाँ पे बड़ा आराम से बोला मैम मेरे ना बैग में ना इस चेक इन बैग में लैपटॉप है तो आप उसे फ्रेजाइल कर दो उसने कहा मैडम फ्रेजाइल मत करो इसको लेके जाओ साथ में तो ये अब ये मलेशिया एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक उठा के घूम रही है और इतनी चालू है इतनी चालू है मुझे पकड़ा दिया अच्छा तुम्हारी बेवकूफ़ी करो तुम भुगते हम अरे जाओ तुम मैडम जाओ गाइज ये है एयरपोर्ट का एग्जिट एंड हाउ नाइस इट इज ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम अभी ना एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं और ये इनका रोड काइंड ऑफ रोड एरिया है वेरी ब्यूटीफुल First time in Bali? First time in Bali. Okay, welcome to Bali. Thank you. I think you are honeymoon in Bali now. No, 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 just not vacation. Honeymoon. Just vacation. So guys. Yes, I am Balinese. I am Dino. Name? I am Dino. So Dino yes. is taking us to our hotel. Yeah, okay. And he's wearing such a good shirt. You guys wear this kind of prints normally? Yes. Yeah. I am long years ago already taxi driver. Places yes. here. Just where I can find vegetarian Indian vegetarian oh, food? On the way is lot. On the way. Yes, in Kuta we have vegetarian. Yes, Indian cuisine. Yeah, like we have lot restaurant Indonesian food. Yeah, Indian food, Europe food. Great. Yeah. Guys, ये देखो यहाँ की currency. 1 lakh. अमीर हो गए हम एकदम से 1 lakh 1 lakh रुपया 1 lakh रुपया सो आर टैक्सी कॉस्ट इज 2 lakh 2 lakh 2 lakh इज आवर टैक्सी कॉस्ट सो गाइस वी हैव रीच्ड आवर होटल सुपर टायर्ड और बहुत भूख भी लगी है आपको मैं होटल दिखाऊंगी कल सुबह क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा है कुछ भी अच्छे से नज़र नहीं आएगा तो कल मैं होटल की वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी और ये है हमारा रूम आपको दिखाती हूँ रूम में हमें मिला है ये हमारे बेड पे लगा हुआ ऑल दो हम हनीमून कपल नहीं हैं बट आई थिंक ये सबके में ऐसे ही लगा के देते हैं तो ठीक है नमन फील आ गई हनीमून की भी के एकदम बाहर है पूल और बहुत ब्यूटीफुल व्यू है आपको सुबह दिखाऊंगी और अभी हम चेंज करके कुछ खाने जाएंगे और दिखाती हूँ आपको बाहर रोड्स पे क्या है क्या मिलता है यहाँ पे खाने का अच्छा सा इनफैक्ट जब हम हनीमून पे गए थे तब हमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला सीरियसली वेरी टायर्ड और दोपहर से कुछ नहीं खाया सो गाइज अब मैं तैयार होती हूँ और हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ सो गाइज हम आ गए हैं अब खाना खाने हमारा पहला चीयर्स फर्स्ट चीयर्स इन बाली फर्स्ट चीयर्स एवर इन बाली टू बी फ्रैंक इन द नेम ऑफ माय लवली वाइफ वी आर समी ये हॉलिडे मस्ती करनी है चीयर्स टू दैट सो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास तो हम थोड़ा लेट हो गए थे हम कितने बजे पहुँचे ऑलमोस्ट 12:30 राइट तो हमें कुछ भी
ओपन नहीं मिला तो हम आए हैं यहाँ पे. एक इटालियन रेस्टोरेंट ओपन था, इट्स कॉल्ड बेला इटालिया. आई ऑर्डर्ड वन पास्ता, वेज पास्ता, एंड आई ऑर्डर्ड चिकन पिज़्ज़ा. तो वो खाएंगे और बहुत नींद आ रही है तो वो खाते के बाद में मैं तो सीधा रूम पे जाके सोने वाली हूँ.